मुसलमानों की अच्छी खासी संख्या थी। नारायण सिंह को कई लोगों ने समझाया कि पाकिस्तानी फौज से लड़ते समय डोगरा सेना के मुस्लिम अफसरों और जवानों को न भेजा जाए, लेकिन नारायण सिंह ने बात नहीं मानी। उन्होंने कहा कि मुस्लिम जवान भी कश्मीरी हैं और वो किसी भी हालत में विद्रोह नहीं कर सकते। यही भरोसा उन्हें ले डूबा। लड़ाई की पहली ही रात डोगरा रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद असलम खान ने कश्मीर के राजा से गद्दारी कर दी। उसने कर्नल नारायण सिंह की हत्या कर दी, साथ ही पूरी डोगरा कंपनी को मौत के घाट उतार दिया। पाकिस्तानी घुसपैठियों के साथ मिलकर उन्होंने कश्मीर का पहला मोर्चा फतह कर लिया। इसके बाद मीरपुर में लगभग 20,000 कश्मीरी हिंदुओं का नरसंहार किया गया। राजा हरि सिंह की सेना के मुस्लिम सिपाहियों ने सैकड़ों हिंदू महिलाओं के साथ बलात्कार किया और मीरपुर कलेक्ट्रेट पर पाकिस्तान का झंडा फहरा दिया। ये सब होता रहा, लेकिन राजा हरि सिंह को इस धोखे की खबर तक नहीं लगी। उन्होंने डोगरा सेना के एक और कर्नल रहमतुल्लाह और मेजर नसरुल्लाह को राजौरी क्षेत्र को बचाने के लिए भेजा। कर्नल रहमतुल्लाह और मेजर नसरुल्लाह ने भी वही किया जो मीरपुर में असलम खान कर चुका था। राजौरी में डोगरा सेना के सारे गोरखा सैनिक अपने ही सेना के हाथों मार डाले गए। भारत और महाराजा हरि सिंह से गद्दारी और हजारों हिंदुओं की हत्या और बलात्कार के बदले में पाकिस्तान ने मोहम्मद असलम खान को फकरे कश्मीर और हिलाले जुर्रत का तमगा दिया। कर्नल रहमतुल्लाह बाद में पाकिस्तानी सेना में ब्रिगेडियर बनकर रिटायर हुआ। इतिहास का ये वो सबक है जो आज भी याद रखने की जरूरत है, ताकि सेकुलरिज्म के नाम पर अब कोई देश के साथ गद्दारी करने की हिम्मत न कर पाए।